गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग छत पे आए थे, लेकिन बारिश हो रही है। तो खैर बारिश हो रही है तो बारिश से अच्छा तो अभी कुछ लगता ही नहीं है ऐसे गर्मी के मौसम में। बहुत अच्छी बारिश हो रही है और खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे बैठे हैं, मैं और कमल जी। ऐसे तो हम बाल छोटे बड़े हो जाएंगे। दिखाओ ऐसे नीचे से। अरे पीछे ऐसे में शेप नहीं आएगा। अरे यार कैसे ऐसे में शेप नहीं आएगा। हम पूरे सीधे हो गए। मैं साइड से पहले काटता हूँ। अरे नहीं होगा फिर। अरे हो जाएगा। अरे यार वो अरे ऊपर से शुरू करते ही नहीं, जब नीचे से शुरू करना चाहिए। शुरू होता है नीचे से ही तो शुरू कर रही हो। तुम पीछे जाओ ना। पीछे मतलब आप पीछे ही तो ऐसे होगा एकदम। अरे पहले छोटे करने दो ना थोड़े से, बहुत ज्यादा जो बड़े हैं। छोटे करने तो नहीं होता है। नीचे एक लाइन दो पहले। हम अभी दे रही हूँ ना, इनके बाल बहुत बड़े हैं ना पहले तो। अरे बोल अच्छा मैं कैसे काट लूंगा खुद ही। अरे एक साथ नहीं काटते। अरे ऐसे थोड़ी होता है, पता नहीं क्या गोबर बना के। अरे अरे तो सही तो हो रहा है यार। फिर पूरे पीछे केक जैसे ही हो जाएंगे। अरे रुको तो सही, आपके पास ट्रिमर है ना। हाँ और उससे ऐसे नहीं कटेंगे, बहुत बड़े बाल हैं। अरे तो पहले शॉर्ट करेंगे ना। एकदम छोटा करेंगे। बेटे को जुल्फे चाहिए होती है लंबी लंबी। पीछे से थोड़ी ना होती, आगे से होती है। अरे तो कंघी करने का झंझट ही खत्म करेंगे। बाबूजी की तरह बाल रख लो, बाबूजी के छोटे से हैं। बाबूजी के हरदम बाल कटे ही होते। अरे यार यहाँ तो वो रखना है, रबड़ लगा देती हूँ तो पता लगे पर टिक कट जाए। जनऊ आपको आज गठिया ना, आज रविवार को कर सकते हैं तो अभी जनऊ वो कर लेना। ग्रहण वाले दिन नहीं होगा तो सोमवार को जनऊ टूट गया आपका, उससे पहले बाबूजी का कभी देख लो आज तक जिंदगी में टूटा, उससे पहले बदल लेते हैं वो। आप लोगों को होश नहीं रहता ना। नीचे लाइन दो ना पहले। यश कैसे लाइन दो, क्या वो कर दू गड्ढा करके लाइन कर दू कुछ। अरे तो एक सीधी लाइन ऐसे बस इनके बाल कट जाने चाहिए इतने बड़े बड़े जम्बू। अरे ऊपर की क्यों ऐसे काट रही हो, ऊपर के अलग पार्ट में कटते हैं। पार्टीशन होता है ना बालों में, है पार्टीशन के हिसाब से कटते हैं। अरे रुको तो सही बेटा, पहले जो बहुत ज्यादा बड़े हैं ना वो काटने दो। ऐसे आप बोलोगे तो फिर तो मैं भी डिस्टर्ब होंगी। मिक्स कर रही हो आप बालों में, ऐसे ऊपर के ऐसे नहीं कटते। ऐसे नहीं काटते, आराम से ऊपर के धीरे धीरे कटते हैं। धीरे धीरे ना, तो हाँ मैं धीरे धीरे काट रही हूँ। आपको शॉर्ट बाल चाहिए ना, तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं हूँ ना। अरे नहीं होगा तो गंजे हो जाओगे और क्या होगा। ये लड़का आज कैसे रहा है। इसको हॉस्टल भेज दूंगी मैं। भाई भारतीय नारी होती है ना, हमेशा अपने पति का साथ देती है बाल काटने में। आना भी तो चाहिए तो एकदम भूसा भरा हुआ रहेगा दिमाग का, भी थोड़ी होगा। मेरे दिमाग में भूसा भरा है, कुट्टी काट के रख दिया। नहीं कमल जी देखना, लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि किसने बाल काटे। जल्दी इधर से कहीं पीछे जाने से होता है। अरे तो मैं पीछे क्या वहाँ पे चली जाऊँ सर के पीछे, तो पीछे खड़ा ना था, पीछे का काटने के लिए, साइड का काटने के लिए। अरे देख देख लो मैंने एकदम सही काट रही हूँ आपके। आप बोलो मत, उल्टा से काट रहे हो, पीछे से काटोगे ना यार। अरे मैं पीछे से खड़ा। अरे तो फिर पीछे कमल जी आप बात नहीं समझ रहे हो। आप चेयर के ऊपर नहीं बैठे हो ना। अरे उससे क्या हुआ, पीछे काटते थे, पीछे का काटने के लिए पीछे खड़ा होना था। अरे ऊपर के ऐसे मत। अरे तो ऊपर के क्या करूँ, अलग से इनविटेशन। ऊपर के रुक जाओ, पहले साइड से काटो ना। अरे साइड से काट तो रही बेटा, इससे अच्छा क्या होगा। देखो बहुत अच्छा हो रहा है। कान के पास से काटो ना पहले। बाबू आप मम्मा को ना कंफ्यूज मत करो,
ऐसे काटा जाता है। अरे मेरे भी ना जब मैं 11th में थी मेरे भी बॉय कट बाल थे। अरे तो उल्टा खड़ा होके काटा जाता है, माथा खड़ा पता है ऐसे लगाऊं ना? कैसे उस तरह थोड़ी ना मेरे पास जो ऐसे लगाऊं, रुको मैं वैसे ही तूड़ा से थोड़ी काटा जाता है देखो। अरे मैं वैसे ही लगा रही हूँ यार, मेरे को मालूम है वो कर। इधर पीछे खड़ा हो तब कर दो, इधर पीछे हमारे पीछे पीठ पे चढ़ पहले साइड से भी काटो वरना बराबर। किसको? एक एक मिनट को, वही तो मैं कर रही हूँ तब से। पीछे खड़ा होके होगा कमल जी, सीजर्स में से नहीं चली उल्टे हाथ से, वैसे ऐसे ही चलती है। अरे यार तुमको काटना ही नहीं आता, इनसे क्या होगा पता है? ऊपर का छोटा हो जाएगा, नीचे का बड़ा हो जाएगा। अरे नहीं आप देखते रहो, बहुत ज्यादा बाल बड़े हो गए थे। सही तो हो रहे हैं, ऐसे ही पूरे बाल करवा लो। अरे बैठ तो जाओ ना। क्या बोल रही है? वो बोल रही थी बस यही कि सबने तो शुरू करवा दिया तो खत्म हो गया। मैंने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ। इसको कौन बताया? अरे उसको तो काम वाले को तो उसको तो अपना काम दिया सबसे ज्यादा। वही रहा है घटता है ये तो जगह में कहीं चीज सही कर रहा है। ठीक है ध्यान से करोगे? ये स्पेशल मैंगो शेक है हमारे सैलून का। अब मैं कपड़े चेंज करके वापस किचन में आ चुकी हूँ, खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ और मैंने खाने में बनाई है तोरी की सब्जी। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से, इसमें काले चने डाले हैं, तोरी और आलू की सब्जी, चावल दाल। चावल दाल तो हमारा वो है, अभिन्न अंग है। और खाना ख़त्म होते ही लंच के बाद सीधे मैं बर्तन धोने अपने बिना क्या बोलते हैं उसे बिना पगार वाले काम पे वापस लौट आई हूँ। तो आज मेरे जो काम करती थी रानी वो आई थी और वो मुझे ऐसे डांट के बोल रही थी, अरे कुछ नहीं तुम्हें ऐसा ही लगता है, कुछ नहीं सब कुछ शांत हो गया अब दिल्ली में, कुछ ऐसा नहीं हो रहा ये वो। और वो मतलब बिल्कुल ऐसे सास की तरह डांटती है। खैर उसको मैंने बोल दिया कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, उसे ये लग रहा है कि किसी और को ना लगवा लियो। मैंने कहा तुम्हें वचन दे रही हूँ मैं, जब तक लगवाना होगा तो तुमसे ही काम करवाएंगे और किसी से नहीं करवाएंगे। उसको ये टेंशन होती रहती है इसलिए वो थोड़े थोड़े दिनों पे आके देख जाती है। खैर अभी सब लोगों ने तो लगवा लिया है लेकिन हम लोगों ने अभी नहीं लगवाया जो जिनके हम और काम करती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ अभी तो फिर उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि शायद उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो पैसों वगैरह की, लेकिन फिर उसने बताया कि अभी कई जगह जहाँ कर रही थी काम वो शुरू कर दिया। मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाओ फिर हमारे यहाँ भी आ जाना। बस मेरा ये बर्तन वर्तन धुल गए। जब भी बर्तन धोती हूँ मुझे रानी की याद आती है। उसको कितने भी बर्तन होते थे तो चाहे जैसे कि किसी दिन नहीं आती थी वो मुझे बोलती थी कि छोड़ देना बर्तन, और उसे ये नहीं लगता था कि इतने सारे बर्तन हम लोगों को तो ज़्यादा बर्तन देख के पता नहीं क्या ही हो जाता है, ये उसमें खास बात थी।
खैर अब तो पता नहीं कभी आएगी वो। आप लोगों ने अपने घर पे जो हाउस हेल्प थी उनको वापस बुला लिया क्या? अब बताना ज़रूर। और ये सब तो मैं सुबह के टाइम पहले डेली किचन की सारी टाइल जब रानी काम करती थी तो सारी ऊपर नीचे कैबिनेट सारे साफ़ करती थी जब तक वो काम कर रही होती थी तब तक। अब यही बर्तन वर्तन धोते समय अगर मुझे थोड़ा बहुत गंदा वंदा लगता है तो कर लेती हूँ, क्योंकि अकेले फिर ये हो जाता है कितना ही करो, तो कैबिनेट वगैरह 2-3 दिन 4 दिन पे कर लेती हूँ। पहले मैं डेली करती थी ऊपर से नीचे तक स्टूल लगा के वाइपर में माइक्रोफाइबर क्लोथ लपेट के और तब ऊपर का पूरा करती थी। और उसके बाद भाई लहसुन हींग वाला तेल लगा रही हूँ, उसमें सरसों तेल में लहसुन हींग डाल के थोड़ी देर पका देना है गैस पे बस। वेलकम बैक। और अभी शाम के 7:30 बजे हैं और डिनर में मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया क्योंकि सिर्फ कमल जी को खाना था। मैंने मैंगो शेक शाम को 6 बजे पिया था और यश ने भी अपना वो उसने खुद ही अपने लिए रोटी बना ली और मैंने कहा कि पनीर की सब्जी बनानी है आपको, तो उसने कहा कि इतना तेल मसाला खाने से फ़ायदा क्या है। मैंने कहा ये तो आगे ही चल रहा है 2 कदम। फिर कमल जी के लिए मैंने बनाया था ये पनीर वाले फ्राइड राइस, इसमें तो कलर भी तो एक अजीब सही हो जाता है। और कमल जी की हेयर कटिंग कैसा लग रहा है आपको? सही है। कितने पैसे दोगे? 40 रुपये। 40 रुपये क्यों? हमने अपनी जान पे जोखिम में डाल के अपने काट लिया, और कोई काटता है बाल अभी? इतनी मेहनत से हम लोगों ने काटा है और कह रहे हैं 40 रुपये सही लग रहा है? अब किससे कटवाओगे हमसे? वैसे मैं सोच रही थी, मुझे ऐसे लग भी रहा था, मैंने सोचा ज्यादा क्या होगा बाल मतलब सही लग रहा है, मुझे लग रहा था कि ज्यादा गंजा कर दूंगी। एक्चुअली कमल जी सुबह मफलर वगैरह लगा, मफलर के तौलिया गमछा बांध के तैयार हुए बाहर सैलून जाने के लिए। मैंने कहा अगर गए तो बाहर ही रह जाना, घर के अंदर मत घुसना। तो फिर थोड़ी देर मतलब गेट तक गए, वापस आके कह रहे अब काट दो जैसे ही काटना है। फिर मैंने और यश ने मिलकर इनके बाल ठीक ठाक काट दिए, मतलब मुझे लग रहा है ठीक कटे। उन्होंने बोला था आर्मी वालों की तरह काट दो, ठीक लग रहा है, दिखाते देखो 10 में से कितने स्टार दोगे? अच्छा कटे सही है ना? पैसे दे देना 500 रुपये, उतना हमारे ट्रिमर क्या वो क्या बोलते हैं किराया तो आ जाएगा। और मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, मैं भूल जाती हूँ हमेशा। ये एप्रन मैंने खरीदा था जो कि मुझे अच्छा लगा, और हर कुछ दिन पे मैं एप्रन खरीदती हूँ और फिर फेंक देती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आता। ज़्यादातर जो वाटरप्रूफ के नाम पे वो जो प्लास्टिक लगा होता है फिर वो मतलब एक आध वॉश में और ख़राब हो जाता है, या तो मतलब उसको पहनने से गर्मी लगती है। ये थोड़ा सा काफ़ी थिक कपड़ा है, खादी टाइप का है ये इस टाइप का, और ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा। ये मुझे पड़ा है 199 का 2, मतलब एक मतलब 100 रुपये के करीब का। तो एक ये कलर है, एक ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर मैंने उसको शेयर को दे दिया क्योंकि बेबी को ऑयलिंग वगैरह करती है, और बाकी ये कलर मेरे पास है। और मैं दिखाती हूँ मैंने और क्या खरीदा है। अब ये अपन से एक चीज़ आसान हो गया मेरा, जो वाइट कलर के कुर्ते वगैरह पहन के मैं खाना बनाती थी तो मुझे डर लगा रहता था, और ऐसा होता था कि जैसे लाइट कलर के कपड़े पहन के बनाती थी तो उसको ऑयल जरूर लगता था। दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने वेइंग स्केल खरीदा था और ये कितने 1100 का था, ये 1100 का था। और इसके लिए मैंने ये इसमें क्या पाउडर रख रखा है पता नहीं, यश ने इसे अपने डंबल्स वगैरह इस पर वेट किया था, तो 1100 का था। और इसके पैसे भी कमल जी ने दिए थे, मैंने तो उनसे पैसे लेके लिए भी। और ये वो है क्या बोलते हैं, इसे जितनी बार इसमें वेट करती हूँ उतनी बार अलग अलग होता है, तो इसको एक्सचेंज कराने के लिए डाल रही हूँ। जबकि इसकी मैंने इसका रिव्यू पढ़ा था तो इसका रिव्यू बहुत अच्छा था, और ख़राब नहीं है कमल जी, ये जितनी बार वजन करती हूँ ना उतनी बार अलग 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 आता है। हाँ तो इसमें 7 जुलाई तक का रिटर्न है तो मैं डाल देती हूँ। और मैंने सोचा था कमल जी मुझे बोल रहे थे मैं ला दूँगा चांदनी चौक से, मैंने कहा कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है ये वो, और हो गया ये कचरा। खैर कोई बात नहीं, इसको तो मैं रिटर्न एक्सचेंज का डाल देती हूँ, रिटर्न का नहीं एक्सचेंज का डाल देती हूँ। और मैंने खरीदा है एक चाकू, कहाँ गया वो, ये रहा
ये एक चाकू खरीदा है मैंने, ये काफी ज्यादा शार्प है। जिस दिन मैंने लिया था तो यश को लगा कि बस नॉर्मल नाइफ की तरह होगा, जल्दी जल्दी उसने काटा तो उसका हाथ कट गया था। और बहुत ही सिंपल सा लिया हमने, क्योंकि यश बोल रहा था शेफ नाइफ लूंगा तो फिर कमल जी ने काफी डांट लगाई हम दोनों की, तो फिर वो नहीं लिया। और ये 390 रुपये का मुझे पड़ा है और इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। तो है तो ये चाकू काफी अच्छा, लेकिन हाँ अगर सही से यूज करें, मेरे लिए तो नहीं है ख्याल। और बस यही सब चीज़ें खरीदी हैं। और जो प्लांटर स्टैंड है, वहाँ जैसे आप लोग मुझे बोल रहे थे प्लांटर स्टैंड के लिए, तो प्लांटर स्टैंड के लिए मैंने ये लिया है, ये सिर्फ 20 रुपये का है। ये हमारी गली में बिकने आया था, तो किड्डो के लिए मैंने लिया था ये किड्डो, ये किड्डो को दिलाया था मैंने छोटा स्टूल बैठने के लिए, लेकिन उस पर बैठता नहीं, वो खेलता है। और ये 20 रुपये का काफ़ी अच्छा है देख, और हर कलर में था। तो जैसे मेरा प्लांटर ग्रीन कलर का है तो मैंने ग्रीन कलर में लिया है, तो ये सस्ते में काम निकल गया। तो बस यही चीज़ें मैंने खरीदी हैं। और क्या खरीदा, मैंने एक हनी खरीदा है, जो कि जो हनी मैंने खरीदा है, तो इस हनी में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जैसे कि दूसरा हनी अगर मैं फ्रिज में रखती थी तो जैसे कि चाशनी नहीं ऊपर से जम जाती है, वाइट वाइट सी हो जाती है, तो वैसे हो जाता था। लेकिन ये वाला जो है ये बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, जैसे हनी होता है। और ये लोग बोलते हैं 100% ऑर्गेनिक है। और एक सेकेंड मैं आपको कैमरा रख के दिखाती हूँ। और फ्रिज में रखने के बाद भी ये ऐसा ही है, मतलब इसके ऊपर कोई वाइट कलर का वो जो जम सा जाता है, जो चाशनी वगैरह के ऊपर जमता है, ऐसा कुछ भी नहीं जमा है इसके ऊपर। तो ये हनी मुझे काफ़ी बेटर लगा। ये मुझे कितने का पड़ा है, 485, मतलब 500 रुपये के करीब का है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। बाकी इन लोगों ने लिखा तो बहुत कुछ, उसके बाद मेल भी आया था मेरे पास कि हम ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, जो गुजरात में गिर जंगल है या जहाँ भी, तो वहाँ पे हम बीज वगैरह को पालते हैं। ये आई विश सही चीज़ों, क्योंकि इसकी रेटिंग और रिव्यू काफ़ी अच्छा था। तो बस मैंने यही सब चीज़ें खरीदी हैं। और कमल जी की हेयर कटिंग आपको कैसी लगी ये बता देना। और क्या बोल रही थी मैं, और बोले, और कमल जी को मतलब कई लोगों को लगता है कमल जी कम बोलते हैं इसलिए कमल जी को गुस्सा बहुत आता है, तो कमल जी को ऐसा कुछ भी गुस्सा नहीं आता। अभी बस कमल जी खाना खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग सर पे वॉक करने जाएंगे। और कमल जी शाम से ही बैठे हुए थे कि चाय दो, 4 बजे जबकि पी चुके थे, फिर से चाय चाहिए थी, तो मैंने कहा पहले अब खाना ही खा लो, चाय पीने की जरूरत नहीं है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और ये मेरा हेयर बैंड जिसे मैं मेडिटेशन वगैरह करते समय लगाती हूँ, जो कि बाल ना आए ऊपर मुँह पे। तो इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और कमल जी के बाल कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट में बताना।